तेरा क्या पाए, बस शीर झुका यही गाए। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीर्ष झुका यही गाए। ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, तुमको ला कमलम श्री गुरु वैष्णव सर्वभूत हृदयं मुनि
शलाकया चक्षु मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री संत चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री गोविंदे आई गौर हरि बो। श्री गोविंदे आई गौर हरि बो। श्री गोविंदे आई गौर हरि बो। अजंता हरे कृष्ण हरे राम
श्री निताई गौर हरि, श्री बड़े बाबा जी महाराज, श्री संत सदगुरुदेव भगवान की असीम अनुकंपा से यह दिव्य श्रीमद् भागवत कथा प्रेम यज्ञ महोत्सव में भागवत जी की दिव्य कथा कहने सुनने का हमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और आज कथा का आठवां एवं विश्राम दिवस है और विश्राम दिवस की पहली बैठक में कथा प्रारंभ होने जा रही है। कल सायंकालीन सत्र में हमने भगवान की मथुरा लीला, कंस उद्धार, और भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका में आगमन एवं श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह महोत्सव का आनंद प्राप्त किया। भगवान मथुरा पधारे हैं
मथुरा के सब कार्य को संपन्न किया है। भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण लीला काल प्रगट लीला में 125 वर्ष का है, जिसमें लगभग 11 वर्ष की ब्रजलीला और 20 वर्ष की मथुरा लीला और बाकी द्वारिका लीला। लगभग 94 वर्ष की द्वारिका लीला है। उस लीला में भगवान ने राज्य लीला की है। असुरों का संहार किया है। पूरा महाभारत का युद्ध द्वारिका लीला में ही आता है। लेकिन ब्रज लीला ही संतों के द्वारा सबसे अधिक गाई जाती है, जबकि लीला काल में सबसे छोटी ब्रज लीला है। तो नित्य ब्रज में तो ब्रज लीला ही है, नित्य द्वारिका में नित्य द्वारिका लीला है, पर पूरी लीला का दर्शन करने पर सबसे अल्पकालीन ब्रज लीला है। लेकिन वही संतों के द्वारा सबसे अधिक गाई जाती है, उसी का आस्वादन सबसे अधिक संत जन करते हैं। कारण क्या है? कारण है जो ब्रज लीला है वो भगवान की शुद्ध माधुर्यमयी लीला है। मथुरा लीला में माधुर्य तो है, लेकिन ऐश्वर्य भी आ गया, ऐश्वर्य मिश्रित माधुर्य है, और द्वारिका लीला में तो ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य है। तो भक्तों का जो प्रयोजन होता है वो भगवान के माधुर्य से अधिक होता है। इसलिए ब्रज का ठाकुर जितना सहज है उतना अन्यत्र के नहीं। पर भगवान की सभी लीलाएं दिव्य हैं, समस्त लीलाओं का आस्वादन हो रहा है। तो भगवान ने कल मथुरा लीला शेष करके द्वारिका लीला में प्रस्थान किया, पदार्पण किया। इस बीच कल चूंकि विवाह महोत्सव मनाना था, इसलिए प्रसंग को स्मरण नहीं कर पाए। उस प्रसंग को स्मरण करके फिर पुनः द्वारिका लीला को गाएंगे, क्योंकि ये प्रसंग ऐसे हैं कि इनको बोलना सहज नहीं है कि भगवान उद्धव को ब्रज में भेज रहे हैं कि जाओ उद्धव ब्रज में जा करके तुम ब्रजवासियों को प्रबोध दो। उद्धव आए हैं, बोले उद्धव को ब्रज में क्यों भेज रहे हैं? ए भगवान के नित्य सखा हैं, बृहस्पति सरीखे गुरु के शिष्य हैं, लेकिन अभाव यह है कि ये ज्ञानी है, प्रेमी नहीं है, प्रेमी नहीं है।
तो भगवान प्रेम का पुट दिलाने के लिए इनको ब्रज भेज रहे हैं। बोले प्रेम के बिना जीवन अधूरा है। बोले ज्ञानी और प्रेमी में अंतर क्या है? बोले ज्ञानी हैं भगवान के बड़े बालक, बड़े बच्चे हैं भगवान के ज्ञानी, और भक्त हैं भगवान के छोटे बालक। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो भक्त माता पिता उनका ध्यान नहीं रखते विशेष। बोले ये तो समझदार हो ही गए हैं, इनके अब अन्न जल का रख रखाव का क्या प्रबंध करना। लेकिन छोटा बालक हो तो माँ ही उसका सब प्रबंध करती है, कब खाएगा, कब पिएगा, कब लेटेगा, कब बैठेगा। तो हम निर्णय करें, हमें बड़ा बालक बनना है कि छोटा बालक बनना है? और दूसरा, बड़े बालक की भूलें माफ नहीं होती, छोटे बालक की तो सारी गलतियां माफ हो जाया करती हैं। तो सब छोटा बालक बनना चाहेंगे कि गलतियां माफ हो जाती हैं? और एक बात और, छोटा बालक पूर्ण रूपेण अपने माता पिता पे आश्रित होता है, बड़ा बालक आश्रित नहीं होता। तो हम ये चाहें कि भगवान हमारी समस्त भूलों को क्षमा करें, जैसे माँ छोटे बच्चे की कर देती है, तो फिर आश्रय भी हमको छोटे बालक के जैसा ही लेना पड़ेगा। यदि छोटे बालक का डिस्काउंट चाहिए हमें, तो फिर बनना भी तो पड़ेगा। बोले आश्रय तो बड़े बालक जैसा, और छूट मिल जाए छोटे बालक जैसी, कपट नहीं चलता उनके दरबार। भगवान को भक्त बहुत प्रिय हैं, ऐसे समझिए जैसे एक बालक स्कूल पढ़ने जाता है और स्कूल में नया नया सीखता है, ऐसे अनार आसे आम, और आकर के अपने माता पिता को ही सुनाए कि जी आपको पता, पढ़ने जाता है और स्कूल में नया नया सीखता है, ऐसे अनार आसे आम, और आकर के अपने माता पिता को ही सुनाए कि जी आपको पता है ऐसे क्या होता है। तो माँ बाप कहेंगे नहीं भैया, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, तू ही बता कि ऐसे होता है अनार आसे। तो क्या माता पिता है? पता है, लेकिन बच्चा जब बताता है तो माता पिता खुश होते हैं, हंसते हैं कि देखो हमसे ही पैदा, हमने ही भेजा स्कूल और हमें ही ऐसे अनार पढ़ा रहा है, हंसते हैं। तो ज्ञानी भक्त जो है वो भगवान को हंसा देता है, भगवान उस पर हंसते हैं, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। लेकिन जो प्रेमी भक्त होते हैं वे भगवान को रुलाने की सामर्थ्य रखते हैं। ज्ञानी तो हंसाता है और प्रेमी रुला भी देता है भगवान को, ये प्रेमियों की क्षमता है। एक बहुत बड़े विद्वान थे दक्षिण भारत में, तो श्री रंगनाथ भगवान की नित्य पूजा करने जाते, उनके घर एक बालक का जन्म हुआ, छोटा बालक था, 5-7 बरस का भी पढ़ने बैठा था। तो वो भी उनके साथ में भगवान श्री रंगनाथ भगवान के मंदिर में जाते और वंदना करता। तो पंडित जी तो बहुत बड़े बड़े श्लोक बोलते, बहुत बड़े बड़े श्लोक बोलते, बड़ी बड़ी वंदना करते प्रभु की, रंगनाथ भगवान की, वहाँ तो श्लोकों का ही राज है, बड़ी बड़ी वंदना करते। अब वो बालक सुनता रहता। अब उसने क्या किया, बोले पिताजी कर रहे हैं तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो पिताजी जो श्लोक बोलते वो बच्चा क्या बोलता,
ऐसे अनार आसे हाम इसे इमली बड़ी से उसे उन बड़े उसे उल्लू पूरे स्वर व्यंजन कैसे लेकर गे तक सुना देता, कैसे कबूतर कैसे गरगोल कैसे गमला कैसे घर सब सुना देता। उसके पिताजी को लगा कि ये क्या भाई, मैं तो श्लोक बोल रहा हूँ, ये भगवान को जो है वर्ण ज्ञान करवा रहा है। तो उन्होंने कहा भैया लाला तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। बोले पिताजी मुझे श्लोक नहीं आते। बोले नहीं आते तो सीखो। बोले पिताजी मैं ध्यान से सुन रहा था, आप जितने श्लोक बोल रहे थे उसमें यही सब अक्षर थे, ऐसे अनार आसे आम ई से इमली बड़ी से ई कू से उल्लू कौसे गया और ऐसे अंग बिंदु तक के ही सारे स्वर और व्यंजन थे। तो मैंने भगवान को सारी इमला सुना दी है कि भगवान जो श्लोक अच्छा लगे वो बना लो, आपको जो श्लोक अच्छा लगे बना लीजिए। मैंने आपको सारे वर्ण दे दिए, मैंने आपको सारे व्यंजन दे दिए, यही है भक्त की करनी, यही है भक्त की करनी, यही अंतर है ब्रजलीला और द्वारिका लीला। द्वारिका लीला में देव वर्णन आता है कि श्री कृष्ण जिस सोने के सिंहासन पर बैठते हैं द्वारिका में, तो नीचे एक चौकी है जिस पर चरण धरते हैं ठाकुर जी ऊंची, तो उस चौकी में इतना गड्ढा हो गया है। बोले किस चीज से गड्ढा हो गया है। बोले देवता लोग आकर के अपना सिर रगड़ते हैं, तो रगड़ते रगड़ते चरण की चौकी में इतना गड्ढा हो गया। लेकिन फिर भी भगवान ने कभी खड़े होकर के इंद्र को गले लगाया हो, वायु देव अग्नि देव को, ब्रह्मा जी को, ऐसा कहीं द्वारिका लीला में नहीं लिखा। वहां तो ठाकुर जी बैठे यहां और बात होगी उधर से इतनी दूर से। और उन्हीं भगवान को यदि ब्रज में देखिए तो अद्भुतता है, अद्भुतता है। गोपियां कहती हैं आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। मेरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। रैन नहीं सो में उठ पो रही बिलो में ददी, रैन नहीं सो में उठ पो रही बिलो में ददी, रैन नहीं सो में उठ पो रही रैन नहीं सो में उठ भोर ही बिलो में दली। तुमको बुला में मना में नंदलाल, प्यारे गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया सा। तुमको बुला में मना में नंदलाल, मन गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। कोरी कोरी मटकिन में गोरी गोरी ग
गई अन को गोरी गोरी मटकिन में गोरी गोरी गई अन को गोरी गोरी मटकिन में गोरी गोरी गई अन को गोरी गोरी मटकिन में गोरी गोरी गई अन को आजो ही निकाल राख्यो दूध नंदला दूध नंदला दर्शन की प्यासी गुजरी आस श्याम ताजो ही निकाल रहो दूध घन श्याम दूध नंद ला दर्शन की प्यासी गुजरी आज श्याम आज मेरे अंगना में आओ गोपाल आओ नंद ला दर्शन की प्यासी मोरे अंगना में आओ गोपाल आओ नंदलाल दर्शन की प्यासी गुजरी आशा पाओ नंद रानी को माखन निस दिन पाओ नंद रानी को माखन मिश्री पाओ नंद रानी को माखन निस दिन पाओ नंद रानी को माखन निस दिन कभी आए के गरीब नी को खाओ नंदलाल खाओ नंदलाल दर्शन की प्यासी गुजरी आसा कभी आए के गरीब नी को खाओ नंदलाल खाओ नंदलाल दर्शन की प्यासी गुजरी आशा आज मेरे अंगना में आओ गोपाल आओ नंदलाल दर्शन की प्यासी गुजरी आशा ओहो आज मेरे अंगना में आओ गोपाल आओ नंदलाल दर्शन की प्यासी गुजरी आशा ए जी 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 दर्शन की प्यासी गुजरी आशा दर्शन की प्यासी गुजरी आशा ऐसा पुकारती हैं वे जाती नहीं हैं वे बुलाती हैं और भगवान मना करने पर भी उनके यहाँ पहुँचते हैं क्योंकि वहाँ माधुर्य है माधुर्य है तो उस माधुर्य रस का स्वादन कराना है उद्धव जी को इसलिए भगवान कह रहे हैं उद्धव उधो मोहे ब्रज बिसरत ना मुझसे ब्रज नहीं बुलाया जाता मोहे ब्रज बिसरत ना बोले क्यों बोले ब्रजवासियों का इतना प्रेम है कि उसने मुझे अपने बंधन में डाल रखा है बंध गया मुझसे जाती न तोड़ी मित्र ऐसी है ये प्रेम डोरी मैं उस प्रेम के बंधन में बंधा हूं उद्धव तुम जाओ और उद्धव जी चले हैं ब्रज को बहुत संक्षेप में प्रसंग को प्रणाम करना है उद्धव जी आए हैं और जब प्रवेश किया है श्री वृंदावन में तो जैसा कि कल निवेदन कर आए थे कि सबसे पहले अप्रकट प्रकाश का दर्शन हुआ अप्रकट प्रकाश क्या है कि स्थूल रूप में तो श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा जा चुके हैं ये तो प्रकट प्रकाश है और प्रकट प्रकाश में अप्रकट प्रकाश क्या है कि नहीं नित्य ब्रज लीला में तो श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के जाते ही नहीं है
तो पहले अप्रकट प्रकाश का दर्शन होता है कि सारा वृंदावन उतना ही सुंदर दिव्य जितना भगवान के सानिध्य में होता है, वो दर्शन होता है। और जब और आगे चलते हैं तो तुरंत ही उनको प्रकट लीला के वृंदावन अर्थात जो बिल्कुल श्री कृष्ण के वियोग में मुरझा गए हैं उस वृंदावन का दर्शन होता है। ब्रजवासी देखते हैं कि सोने के रथ पे चढ़कर कोई आ रहा है, बोले कैसे देख लेते हैं, बोले ब्रजवासी हर समय मथुरा की तरफ मुंह करे रखते हैं, उस रास्ते की ओर ही मुख करे रखते हैं जो रास्ता वृंदावन से मथुरा को जा रहा है और मथुरा से वृंदावन को आ रहा है। बोले क्यों, बोले कि इसी मार्ग से आएंगे, इसी मार्ग से आएंगे। मानो भजन की रीति बता रहे हैं कि वैष्णवों को कैसे भजन करना है। बोले नाम का आश्रय और श्री कृष्ण की प्रतीक्षा। आचार्य जनों ने सफलता के जो तीन सूत्र बताए हैं उनमें प्रथम है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ करे वो भले संसार का रास्ता हो या भजन मार्ग का रास्ता हो, प्रथम पुरुषार्थ है और फिर प्रार्थना है और तीसरा काम है फिर प्रतीक्षा। जितनी प्रभु ने सामर्थ्य दी है वो झोंक डाले, ये देखे कि मैं पुरुषार्थ कितना कर पा रहा हूं। बहुत समझने की बात है, ये सब बातें प्रारंभ में ही हो सकती हैं। बोले क्यों, ये अभी 7:45 हैं तो हमारे मन को लग रहा है समय बहुत है, तो शांति से बोल रहे हैं 9 लगेगा, अरे घड़ी आगे चली कथा पूरी नहीं, भागो 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 भागो। प्रथम है पुरुषार्थ, ये अपने आप को टटोलना है कि मेरे अंदर कितनी तो योग्यता है, कितनी सामर्थ है और मैं उसका कितना प्रयोग कर रहा हूं, मेरे भीतर कितना आलस है। श्री वेद व्यास भगवान ने भागवत जी में आलस को मृत्यु कहा है, बोले आलस तो मृत्यु है, प्रमाद मृत्यु है। जो व्यक्ति आलसी है, जो सदैव आलस में ही पड़ा रहता है वो तो मृतक के समान। बोले मृत्यु तो एक बार ही मारती है पर जो आलसी होते हैं वे तो हर समय मृतक के जैसे ही हैं। तो प्रथम तो पुरुषार्थ है, पूरा पुरुषार्थ, पूरा पसीनों से शरीर भीगना चाहिए कि जी रात को इतनी सोने की कोशिश करते हैं नींद ही नहीं आती, इसलिए नहीं आती कि थकान ही नहीं हुई दिन में। यदि दिन में थकान हो गई होती तो मिनट में लेटते ही आती नहीं, आ नहीं रही मतलब थके नहीं दिन में हम। आलस की गुंजाइश नहीं है, कोई ये ना समझे कि भक्ति मार्ग तो निठल्लों का रास्ता है। नहीं महाराज, यहां तो संसार से दुगनी तिगनी 100 मेहनत है पुरुषार्थ। और फिर दूसरा है प्रार्थना। जो केवल पुरुषार्थ करेगा प्रार्थना नहीं करेगा वो अभिमानी हो जाएगा, वो अभिमानी हो जाएगा। देखिए संसार में जो कुछ भी हमको प्राप्त हो रहा है ना, वो उसमें हमारा पुरुषार्थ तो सहायक मात्र है। जो कुछ प्राप्त हो रहा है 2 से, भगवत इच्छा और प्रारब्ध, पुरुषार्थ तो सहायक है। तो पुरुषार्थ के संग में प्रार्थना करनी है और फिर पुरुषार्थ और प्रार्थना करके फिर प्रतीक्षा करनी है। ऐसा नहीं कि आम की गुठली हमने आज लगाई कि कल हम फल तोड़ेंगे। आम की गुठली आज बोई है तो कल पेड़ भी बन जाए और फल भी आ जाए, ऐसा नहीं होता साहब। प्रतीक्षा करनी पड़ती है।
हाँ ऐसा हो सकता है कि धनिया डालें तो धनिया 2-3 दिन में हो गया है, पर आम के पेड़ पे फल नहीं आ जाएंगे। आम का तो पेड़ बताते हैं 5 साल में 10 साल में फल देता है। जब हम वहां जिद नहीं करते कि आज गुठली वो ये कल फल मिलेंगे, वहां जिद नहीं करते तो यहां क्यों करते हैं? यहां तो 2 दिन मंदिर जाते हुए हो जाए तो कहें कि फल क्या है। किसी को इतना कह दे आदमी कि हनुमान चालीसा पढ़ो महाराज, तुमको दिक्कत है वो है कि जो कितने दिन पढ़नी है हनुमान चालीसा, कोई बताओ कि कितने दिन पढ़नी है। ये नहीं पूछते कि भोजन कितने दिन करना है। यही साधना है, ये पुरुषार्थ है, प्रार्थना और फिर प्रतीक्षा। बोले जीवन क्यों जी रहे हैं? यदि हम कोई हमसे पूछे क्यों जी रहे हैं जीवन, बोले कमा किस लिए रहे हैं? बोले खाने के लिए। अब बोले खा किस लिए रहे हैं? तो जीने के लिए। तो बोले जी किसके लिए रही है कि मरने के लिए? कमा किस लिए रहे हैं? खाने के लिए। खा किस लिए रहे हैं कि जीने के लिए? तो जी किस लिए रहे हो? है जी मरने के लिए। बड़ी 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 बेवकूफी किसी बात लग रही है। जी किस लिए रहे हैं? मरने के लिए। बोले जी किस लिए रहे हैं? वैष्णव से पूछेंगे, बोले कृष्ण की प्रतीक्षा। यही उद्धव लीला है, कथा से बाहर नहीं है। ब्रज गोपी जन से पूछा कि जी क्यों रही हो? बोले इसलिए जी रहे हैं, तो कब के मर जाते, क्योंकि कृष्ण के बिना तो जीवन व्यर्थ है। पर इसलिए जी रहे हैं क्योंकि ठाकुर जी कह गए आऊंगा। और भगवान सत्य नारायण है, ये ध्यान रहे, भगवान असत्य नहीं हुआ। कुछ हमें अटपटी बात लग रही है, समझ में नहीं आ रही, तुम्हारी बुद्धि की असमर्थता है। वो भगवान के वाक्य में संशय नहीं, संत गुरुजन के वाक्य में संशय नहीं, समझ नहीं पा रहे तो हमारी बुद्धि की अल्पता है। हम लोग अल्पज्ञ हैं, प्रभु सर्वज्ञ हैं। गोपीजन कहती हैं कि भगवान कह गए तो आएंगे, तो हम तो मर जाती, पर मर इसलिए नहीं रही, कहीं श्री कृष्ण आएंगे तो उनका स्वागत कौन करेगा, कौन फूल बरसाएगा, कौन जल ला के देगा, कौन दूध पिलाएगा, स्वागत कौन करेगा। यही है भजन, यही है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा कि एक भक्त जा रहे थे जंगल में, अचानक घिर गए, बिल्कुल किसी संकट में घिर गए, लगा कि अब तो बस प्राण संकट में है। हिंसक पशुओं ने घेर लिया उनको मारने के लिए, और ऊपर से चील मंडराने लगी कि ये कब मरे और इसका मांस हम कब खाएं। तो भक्त क्या कहता है, हे कागा तन खाइयो, हे कागा हे चील, तो मेरा सारा शरीर खा जाना, लेकिन एकागा तन खाइयो, पर की जो कृपा सुपास। बोले क्या कृपा करूं, के दोने नामत खाइयो। बोले क्यों ना खाऊं? बोले इन कृष्ण मिलन की आस, इनको कृष्ण को देखने की इच्छा है, तो तुम मेरे आंख छोड़ देना और बाकी सब शरीर खा लेना। यही है भजन की प्रतीक्षा, यही है प्रतीक्षा। तो बोले कि हमें कृष्ण की प्रतीक्षा करनी है कि कृपा की? बहुत ध्यान से सुनिए, देखिए साहब, कृपा की प्रतीक्षा नहीं करनी है, कृपा तो बहुत है, कृपा की समीक्षा करनी है। कृपा की प्रतीक्षा नहीं करनी है, कृपा की तो समीक्षा करनी है। कृपा तो बहुत है, अनुभव में नहीं आ पा रहे, अनुभव में नहीं आ पा रहे, अनुभव में नहीं आ पा रहे। एक अरबपति बालक का, एक अरबपति सेठ का बालक, वो किसी हादसे में अपनी याददाश्त खो बैठा, और याददाश्त खो बैठ करके पता नहीं कौन सी उसके दिमाग में वो डाटा फीड हो गया, वो अपने आप को मानता है मैं भिखारी हूं। अब जब भी किसी को देखता है हाथ फैलाता है कि महाराज भगवान के नाम पे एक पैसा दे दो, एक पैसा दे दो, एक पैसा दे दो, हर एक से कह रहा है एक पैसा दे दो, एक पैसा दे दो। अब पिता को बहुत बुरा लगता है कि महाराज इतने बड़े आदमी का बेटा हर जगह भीख मांगता है। तो क्या
उसको धन देने की जरूरत है? नहीं, धन देने की जरूरत नहीं है उसको, ये याद कराने की जरूरत है, भैया तुम भिखारी के बच्चे नहीं हो, तुम तो साहूकार के बच्चे हो। तो कृपा की समीक्षा चाहिए, ये जानना है कि हम तो महाराज श्री कृष्ण के हैं, हम श्री कृष्ण के हैं, हम उसके हैं जिसने अपनी कनखी उंगली पे गिरिराज उठा रखे हैं। जो गिरिराज उठा सकता है उस पे हमारा भार नहीं उठेगा क्या? हम उनके आश्रित हैं, उन श्री कृष्ण के जो इतने समर्थवान हैं। यही समीक्षा है। ब्रज गोपी कहती हैं, हम तो शरीर छोड़ देते पर छोड़ा नहीं। उद्धव आए, दोनों प्रकाश का दर्शन किया और फिर जब देखी ब्रजवासियों की दशा, क्या कहने, घर पूछते फिर रहे हैं नंद जशोदा का कि हम तो कभी आए नहीं गोकुल नंदगांव, कोई हमको नंद बाबा का घर बता दो। तो निवेदन कर रहे कि सोने के रथ पे आए हैं उद्धव जी। तो ये लोग ब्रजवासी मथुरा के रास्ते को ही देखते रहते हैं कि अब आए। जो दूर से धूल उड़ती दिखाई दी तो सबने घेर लिया, अभी कोई बातचीत तो करी नहीं। एक गोपी ने तो दूसरी को कहा, पहले तो लगा कहीं प्रभु ही ना आ गए हो, फिर पास आके देखा, बोले प्रभु नहीं है। बोले ये तो कोई नया सा लगता है। बोले आया तो मथुरा सही है ना? कि हाँ। बोले मथुरा के लोग बहुत खतरनाक होते हैं। एक अक्रूर आया था, नाम था अक्रूर, कर गया क्रूरता, हमारे प्रभु को ही ले गया। बोले अब ये कौन आया है? बोले ये शायद इसलिए आया है कि कंस तो गया है मर, उसका श्राद्ध करने के लिए, अब राक्षसों का तो श्राद्ध भी मांस से होगा, तो शायद ये हमको पकड़ के ले जाएंगे और हमारे मांस से कंस का श्राद्ध करेंगे, ये इसलिए आया है। इन्होंने कहा कि भैया मुझे नंद बाबा का घर बता दो। बोले ले ओ, ऐसा कौन है जो नंद का घर न जाने, नंद का घर न जाने। इन्होंने कहा भैया हम तो नए हैं, हमें नंद जी का घर बता दो। तो ब्रज गोपी जन ने कहा कि भैया ये जल जहां से बहा आ रहा है इसी जल के सहारे 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 चले जाओ। बोले जल का क्या संबंध है घर से? तो गोपीजन ने कहा कि उधो ये जल कोई प्रयोग करा हुआ बाहर फेंका गया हो घर से, ऐसा नहीं है, ये तो नंद जशोदा के आंसू हैं जो घर से बहा करते हैं कृष्ण वियोग में। सूरदास जी ने बहुत सुंदर गाया, निश दिन बरसत नयन हमारे, 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 सदा ऋतु कहते हैं वर्षा ऋतु को हम, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे, श्याम सिधारे, जब ते श्याम सिधारे, जब ते श्याम सिधारे, जी निश दिन बरसत नयन हमारे, निश दिन बरसत नयन हमारे, ओ निश दिन बरसत नयन हमारे, निश दिन बरसत नयन हमारे।
सारे नेत्र निज दिन बरसते हैं और तुम देख रहे हो फिर ना रहत नैनन में अंजन फिर ना रहत नैनन में अंजन हमारे आंखों में काजल अब टिक नहीं पाता फिर ना रहत नैनन में अंजन फिर ना रहत नैनन में अंजन कर कपोल भय कारे कर कपोल भय कारे आंसू गिरते हैं तो गाल काले हो गए हैं और बार बार हाथ से पूछते हैं ना तो कर कपोल भय कारे कर कपोल भय कारे उधो निषदिन बरसत हमारी चोली सदैव गीली रहती है कंचू की पट सुखत नहीं कब हूँ कंचू की पट सुखत नहीं कब हूँ उर बीच बहत पनारे पनारे उर बीच बहत पनारे पनारे बोले आंखों से जल गिरता है हृदय के बीच में से बहता रहता है कंचुकी गीली रहती है कंचुकी गीली रहे तो कोई बात नहीं पर हमको लगता है ठाकुर जी को शीत लग जाएगी बोले वो कैसे कि हृदय में तो कृष्ण बैठे हैं निरंतर जल गिरता रहता है सुबह गिरता है तो हम सोच लेती हैं सुबह का स्नान है शाम को गिरता है तो सोच लेती हैं शाम का स्नान है पर हर समय ठाकुर जी भीजे रहे वो कहाँ तक उचित है उदो कुछ ऐसा प्रबंध करो कंचू की पट सूखत नहीं कब कंचू की पट सूखत नहीं कब उर बीच बहत पनारे पनारे उर बीच बहत पनारे रस्ते हैं तुम इसी जल के सहारे चलते जाना उदो
जिस घर से ये जल निकल रहा हो वही नंद बाबा का घर है। चलते चले थे उधो, चलते चले थे, भीतर जाकर के जो दृश्य देखा उधव भी हिल गए। बोले क्या कि नंद शैया पर बैठे हैं, नीचे जशोदा बैठी है। बोले एक हाथ तो शैया के पाय पर है, चार पाई के पाय पर है, पर एक हाथ से पालना झुला रहे हैं। बोले पालना किसको झुला रहे हैं? बोले ठाकुर जी गए और ठाकुर जी से गुड्डा से खेलते, वो गुड्डा यहीं रह गया। तो गुड्डे में गोपाल दिखता है। देखिए नंद जशोदा तो नित्य माता पिता हैं, उनको कृष्ण वियोग नहीं होता, कृष्ण वियोग तो हमें हुआ है, उनको काहे का कृष्ण वियोग। कृष्ण वियोग तो हम लोग को हुआ है। अब हम लोग को महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये अपना अपना सबका स्तर है, पर बाकी कृष्ण वियोग हमें हुआ है। जीव को कृष्ण वियोग हुआ है, परिकर को काहे का कृष्ण वियोग हुआ है? ये तो मैया है, पर मैया बता रही है। बोले गुड्डे में गोपाल देखो, गुड्डे में गोपाल। बोले जल के साथ चले जाना, गए तो जशोदा पालना झुला रही है। नंद बाबा रोते रहते हैं, मैया रोती रहती है। नंद बाबा को रोते रोते खांसी आ जाती है, तो मैया कहती है चुप 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 चुप। बोले क्या हुआ? बोले लाला सो रहा है, लाला जाग जाए, चुप। जुलाती है मैं, खिलाती है मैं। और कोई गोपी आ जाती है और कहीं मैया को, क्योंकि मैया अप्रकट प्रकाश का दर्शन करती है, जो सिद्धांत भी कह आए कि लाला पास में है, और कहीं प्रकट प्रकाश का स्मरण हो जाता है कि नहीं है, तब तो महाराज पूछो नहीं। फिर तो जशोदा की ऐसी स्थिति होती है जैसे कोई जल में से मछली को बाहर निकाले, तड़पड़ाती हैं। उद्धव पास आए हैं, इनको तो लगा कृष्ण ही आ गए, और जो अपनी वो आंसुओं से भरी आंखों को पूंछ करके और ऐसे करके देखा, अरे ये तो गोरा है, हमारा लाला तो काला, ये प्रीति है। एक मेला में एक माँ का बच्चा खो गया, गरीब माँ थी, और उसका बालक बिल्कुल काला कलूटा, नाक बह रही उसकी, वो खो गया। अब खोने पर घोषणाएं होने लगी, भैया ऐसा 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 कपड़ा पहरे हैं, ऐसा रंग का ऐसा बालक है, जिसको मिले छोड़ जाओ कार्यालय पे। वो कार्यालय पे बैठी हुई मारो रही है, तो कुछ और बच्चे भी खो गए थे, वो भी आ गए, एक से एक सुंदर बच्चा, एक से एक सुंदर। तो कार्यालय कार्यकर्ता सबको दिखाते हैं, ये तो नहीं है तुम्हारा, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, नहीं। एक बच्चा था जिसके माता पिता ही नहीं थे, उसको भी कहा ये तो नहीं है। बोले नहीं ये भी नहीं। बोले अब नहीं है, है ये इतना सुंदर बच्चा, इसको ले जाओ, है नहीं है, ये तो जाने को तैयार है। बोले नहीं महाराज, मुझे तो मेरा काला कलूटा ही चाहिए, यही ममता है, कृष्ण ही माखन है। देखे तो अरे ये तो गोरा है, हमारा लाला तो काला है। उद्धव जी ने दंडवत करी, प्रणाम करे नंद जशोदा जी को, और प्रणाम करके बोले कि मैं मथुरा से आया हूँ, कन्हैया का मित्र हूँ। अरे तब तो बड़े जशोदा जी गई, भोजन लेके आई, भोजन कराए, बैठे, चर्चा होने लगी। प्रसंग तो बहुत बहुत हैं, ये तो बिल्कुल अलग कथा होती है इन प्रसंगों की, तो तब है। और बहुत चर्चा हुई, इस चर्चा में एक जशोदा ने इतनी चुभने वाली बात कह दी, उन्होंने चुभने के लिए तो नहीं कही, पर उनकी सहज आवृत्ति थी। बोले भैया कन्हैया से एक बात पूछना, कि क्या कि जब वो
दो ढाई वर्ष का था तो उसने मटकी तोड़ दी थी एक, और मटकी तोड़ दी तो मैंने उसको ओखल से बांध दिया था, तो उसने बुरा तो नहीं माना उस बात का। जब इतना कहा और जब ये बात बाद में मथुरा जाकर के बताई तो कृष्ण बहुत रोए थे कि मैया ने क्या पूछा कि जो है मैंने कान पकड़ा था उसका, तब वो डोरी से बांध दिया था, तो क्या कृष्ण को बुरा था। और कहते हैं महाराज, संदेशो देव की सो कहियो, खुदो हमारा संदेशा देव की रानी को कह देना, संदेशो देव की सो कहियो कि मैं तो धाय तिहारे सुत, मैं तो धाय हूं साहब, मुझे तो कुछ दिन पालने को दे दिया गया था, मैं तो धाय तिहारे सुत की मया करत नित रहियो, उधो संदेशो देव की सो कहियो, और यदि कोई व्यवस्था हो और तो कुछ नहीं, यदि मथुरा में कन्हैया के महल में कोई नौकर नौकरानी की जगह खाली हो तो हम नंद जसोदा चलने को तैयार। बोले क्यों? कि बोले कृष्ण दर्शन हो, यही है प्रेम का, प्रेम ईर्ष्या नहीं है, प्रेम ईर्ष्या नहीं है, कृष्ण सुख में ही अपना सुख, हम चलने को तैयार हैं। बहुत बहुत वार्ता हुई, समझाया है, बहुत समझाया है, पर कौन समझे, कौन समझे। बाहर आए हैं, गोपीजन को पता चला है ये आए हैं, मिले हैं, उद्धव ने पाती दी है जो पत्र लेकर के आए हैं, सूरदास जी ने वर्णन किया है, शाम को संदेशा उधो पाती लेके आयो है, शाम को संदेशा उधो पाती लेकर आयो है, शाम को संदेशा उधो पाती लेके आयो है, शाम को संदेशा उधो पाती लेके आयो है, उधो पाती लेके उधो पाती लेके आयो है, श्याम को संदेशा उधो पाती लेके आयो है, श्याम को संदेशा उधो पाती लेके आयो है, पाती तो उठाए लीनी छाती सो लगाए लीनी, 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 छाती सो लगाए लीनी, छाती सो लगाए लीनी, घूंघट की ओट देके उधो को समझायो है, घूंघट की ओट देके उधो को समझायो है, श्याम को संदेशा उधो पाती लेके आयो है, श्याम को संदेशा उधो पाती लेके आयो है, श्याम को संदेशा उधो पाती लेके आयो, श्याम को संदेशा उधो पाती लेके आयो है, पाती दिखाई पड़ तो पाई नहीं, बोले कृष्ण हाथ अंकित है, कृष्ण हस्त अंकित है, ये पाती लाओ, कोई पाती को चूम रहे हैं, कोई हृदय से लगा रहे हैं, पाती तो उठाए लीनी छीन ली पाती, बोले एक एक टुकड़ा टुकड़ा बांट लिया आपस में, उद्धव जी बोले किन मूर्खों के बीच फंस गया, इन्हें खाने की चीज है पाती के बांटने की चीज है कि पढ़ने की चीज है, पढ़ी भी नहीं इन्होंने तो, इन्होंने तो पढ़ा भी नहीं, पत्र पढ़ के तभी फाड़ देते, इतना इतना प्रसाद बांट लिया, कहां अनपढ़ों के बीच आ गया मैं। गोपियां बोली उधो हमें पाती नहीं पढ़नी पड़ती, हमने कृष्ण को पढ़ रखा है,
हमने कृष्ण को पढ़ रखा है, तो पाती पढ़वाएगा हमें? ओहो पाती को उठाए लीनी छाती सो लगाए लीनी, पाती तो उठाए लीनी छाती सो लगाए लीनी। बोले प्रभु कह गए कि परसों आऊंगा। बोले परसों किसे कहते हैं? पड़े हुए नहीं है। बोले परसों कहते हैं आज का दिन और कल का दिन बीते तो परसों, अर्थात एक और दो जमा परसों हो गए। एक और दो, दो दिन लगेंगे, तो एक जमा एक बराबर दो, इतना बता गए। बोले एक कैसे लिखते हैं? तो एक तो बड़ा सहज है लिखना। बोले खड़िया और दीवाल पे ऐसे डंडा एक कहते हैं उसको, और दो डंडे हो गए मतलब दो हो गए। अब प्रभु को तो समय लग गया, तो वो गोपी जो है दीवारों पे ए ए ए, उद्धव जी को हाथ पकड़ के घर ले गए। बोले उद्धव जी एक सवाल पूछना है। बोले क्या? बोले हम पढ़े लिखे नहीं है। बोले दो कब होंगे? उद्धव जी बोले देखो इनको मैं गणित पढ़ाऊं के हिंदी पढ़ाऊं के संस्कृत पढ़ाऊं, अच्छे मूर्खों के बीच पढ़े? बोले चलिए तो सही। तो देखा उसके तो पूरे ही घर में ए ए ए ए ए। गोपी कहती है उद्धव जी बताइए पढ़े लिखे हो कि दो कब होंगे? बोले दो तो जाने कब के हो गए यहाँ पे, यहाँ तो हजारों जगह तूने एक एक लिख रखा है, दो ही नहीं हुए। बोले अरे बाबरी एक और एक दो होते हैं। गोपी बोली नहीं नहीं उद्धव, संसार के गणित में एक और एक दो होते होंगे, प्रेम के गणित में तो एक और एक बराबर एक ही होता है, दो कभी नहीं होते, ना हुए ना हो सकते हैं। यहाँ तो एक जमा एक बराबर एक ही होता है, यहाँ दो नहीं होते। ए पाती तो उठाए लीनी छाती सो लगाए लीनी, पाती तो उठाए लीनी छाती सो लगाए लीनी, घूंघट की ओट दे के उद्धव को समझायो है, घूंघट की ओट दे के उद्धव को समझायो है, श्याम को संदेशा उद्धव पाती लेके आयो है, श्याम को संदेशा उद्धव पाती लेके आयो है। बोले क्या पाती में बोल रही है देख करके कि अरे बहुत अच्छा काम किया, बस्ती उजाड़ दीनी उजड़ी बसाए लीनी, बस्ती उजाड़ दीनी उजड़ी बसाए दीनी, वृंदावन बसा था उसे उजाड़ दिया, और जो मथुरा कंस के अत्याचार से उजड़ी हुई थी उसे बसा लिया। ओहो बस्ती उजाड़ दीनी उजड़ी बसाए लीनी, बस्ती उजाड़ दीनी उजड़ी बसाए दीनी, गोकुल उजाड़ दीनी मथुरा बसाए लीनी, गोकुल उजाड़ दीनी मथुरा बसाए लीनी। अजी हमने सुना है अब तो उपजा पटरानी कीनी हमें ना सुहायो है, उपजा पटरानी कीनी हमें ना सुहायो है, अब तो उपजा पटरानी कीनी हमें ना सुहायो है, उपजा पटरानी कीनी हमें ना सुहायो है, श्याम को संदेशा उधो पाती लेके आयो है, श्याम को संदेशा उधो पाती लेके आयो है, श्याम को संदेशा उधो पाती लेके आयो है, को संदेशा उदो पाती लेके आयो है, सूर शाम जूसो उदो एती बात कहियो जाए, सूर शाम जूसो उदो एक ही बात कहियो जाए, सूर शाम जूसो उदो एती बात पूछो जाए, सूर शाम जूसो उदो एक ही बात पूछो जाए, एती बात पूछो पूछो जाए, सूर श्याम जूसो उधो एती बात पूछो जाए, सूर श्याम
जीवत खसम कौने भसम रामायो है। जीवत खसम कौने भसम रामायो है। अजी जीवत खसम कौने भसम रामायो है। जीवत खसम कौन भसम रामायो है। बोले स्त्री सती तो तब होती है जब पति मर जाता है। कोई जीवित पति के भी भस्म सती होती है क्या? नहीं होती ना। तो हम क्यों योग साधें, हम क्यों समाधि लगाएं? जीवत खसम कौने भसम रामायो है। जीवत खसम कौने भसम रामायो है। श्याम का संदेशा उधो पाती लेके आयो है। श्याम का संदेशा उधो पाती लेके आयो है। उधो पाती लेके उधो पाती लेके आयो है। उधो पाती लेके आयो। उधो पाती लेके आयो है। उधो पाती लेके आयो। उधो पाती लेके आयो है। उधो पाती लेके आयो। उधो पाती लेके आयो है। उधो पाती लेके आयो। उधो पाती लेके आयो है। श्याम का संदेशा उधो पाती लेके आयो। जीवत खसम कौने भसम उधो मन न भये दस वीस। तुम्हारे मथुरा में होते होंगे कलयुग के प्राणी के होते हैं 10-20-30-40 मन, लेकिन हमारे तो उधो मन न भये दस वीस। एक हु तो सो गयो श्याम संग अब को अवराधे ईस। महाराज आए थे उद्धव समझाने, ये तो खुद ही समझ गए। भ्रमर गीत के माध्यम से जो वार्तालाप हुआ है, जिस समय बातचीत हो रही थी एक भ्रमर आ गया काला। संतों ने कहा भ्रमर नहीं है, कृष्ण ही भ्रमर बन के आ गए। और वो भ्रमर गीत का जो वार्तालाप है अद्भुत है। सारे उद्धव जी के संशय को निर्मूल कर दिया और अंत में उद्धव जी इस निर्णय पर पहुंचे। किस निर्णय पे? हाथ जोड़ के कह रहे हैं वंदे नंद ब्रज स्त्रीणा। मैं ब्रज की गोपियों को प्रणाम करता हूं। सब गाइए श्लोक को पीछे पीछे, बड़ा सुंदर श्लोक है, उद्धव जी ने गाया है। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां। पादरेणुं अभिक्षणशः। पादरेणुं अभिक्षणशः। यासां हरिकथोद्गीतम्। यासां हरिकथोद्गीतम्। यासां हरिकथोद्गीतम्। पुनाति भुवनत्रयम्। पुनाति भुवनत्रयम्। मैं इन ब्रजवासी गोपियों के चरणों के रेणु की लगातार अविक्षणशः लगातार वंदना करता हूँ। बोले क्यों? बोले यासाम हरि कथोद्गीतम्। जिनके मुख से हरि के गीत चरित्र निष्कासित होते हैं, कृष्ण लीला स्फुरित होती है, सिद्धांत स्फुरित होता है, जो कि पुनाति भुवनत्रयम्, जो तीनों लोकों का मंगल करने वाला है, ऐसे मुझे ब्रज गोपियों के चरणों की धूल मिल जाए। मैं ब्रज गोपियों के मैं इन धाम में गुल्म लता औषधि हो जाऊं, ताकि इन ब्रजवासियों की चरण धूल उड़ उड़ के मुझ पर पड़े तो मैं भी पवित्र हो जाऊं। ऐसी वंदना करके उद्धव जी आए हैं। संतों ने कहा बोले उद्धव सुद्धव है गयो। उद्धव उद्धव कहें जो उल्टा हो, कह रहे उद्धव सुद्धव है गयो सुन गोपिन के बोल। एक बार में सीधा हो गया। और ठाकुर जी ने भेजे इसलिए, उन्हें पता नहीं गोपीजन क्या चीज है, कौन तत्व है। बोले उद्धव सुद्धव है गयो सुन गोपिन के बोल। बोले ज्ञान बजाई डुग डुगी और प्रेम बजायो ढोल।
ज्ञान की डुगडुगी दब गई जब प्रेम का ढोल बजा। उद्धव आए हैं के आए दो दिन को रह गए 6 महीना। बोले कहाँ रहे? बोले वृंदावन में स्थान है ज्ञान गोदड़ी, राधा रमन जी के निकट ही है श्री राधा रमन जी के मंदिर, ज्ञान गोदड़ी। स्थान का नाम ही पड़ गया ज्ञान गोदड़ी। बोले उद्धव जी ज्ञान की गोदड़ी लेके आए थे तो महाराज ब्रज गोपियों ने उसको फाड़ फूड़ के बराबर कर दिया, और फिर क्या किया? बोले उनको प्रेम की चुनरी उड़ा दी, गोदड़ी तो गए फेंक और ओढ़ कर चले गए प्रेम की चुनरी। प्रेम की चुनरी गाते जा रहे हैं, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, मन कर ले हरि से प्यार, मन कर ले हरि से प्यार काऊ से प्यार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, मन भजिए नंद कुमार काऊ से प्यार, नंद कुमार काऊ से प्यार नहीं, ए जी प्यार नहीं, ए जी प्यार नहीं, कुछ सार नहीं, कुछ सार नहीं, प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, कोई सार नहीं। यही गाते जा रहे हैं उद्धव प्रभु के पास पहुंच गए। और पहले तो कह रहे थे जब चले थे उद्धव मथुरा से कि भगवान आप तो बहुत मोही हो जो ब्रजवासियों के पीछे रो रहे हो, और पहुंचे तो कहते हैं भगवान आप बहुत निर्मोही हो जो ऐसे भक्तों का छोड़ करके यहाँ क्यों बैठे हो, क्यों बैठे? निम्बार्क संप्रदाय के सलीमाबाद में गद्दी है जयपुर के आगे, वहाँ एक संत हुए परशुराम देवाचार्य जी, तो उनके पास एक जिज्ञासु आया, बोला महाराज जी दीक्षा लेनी है हमें, पर मैं पहले कहीं दीक्षा ले चुका हूँ। बोले कहाँ? बोले कि किन्हीं ज्ञानी गुरु जी का नाम बताए। बोले अच्छा। बोले अब मुझे वैष्णव बनने की इच्छा है तो मुझे दीक्षा मिल सकती है? परशुराम देवाचार्य जी ने कहा भैया कृष्ण भजन में तो सबका अधिकार है, क्यों नहीं आप कृष्ण भक्त बन सकते हो वैष्णव बन सकते हो। तो परशुराम देवाचार्य जी ने उसको दीक्षा प्रदान कर दी। अब दीक्षा दे करके फिर उसके गांव में उसके पुराने गुरु जी आए, उनको पता चला कि चेला तो वैष्णव हो गया, परशुराम देवाचार्य जी गुरु कर लिए। तो उन्होंने शिष्य को बुलाया और कहा भैया हमारे रहते तुमने दूसरे गुरु किए, हम में क्या कमी थी और उनमें क्या खासियत है? तो उन्होंने एक जल का कलश भर के शिष्य को कहा। बोले कुछ नहीं। बोले गुरुजी ज्ञानी होंगे तो समझेंगे तुम्हारे। जल का कलश पानी का भर के शिष्य को दिया। बोले गुरुजी को ले जाके देना अपने वैष्णव गुरुजी को। ये परशुराम देवाचार्य जी के पास आए, कलश दिया जो श्री परशुराम देवाचार्य जी ने जल लेकर के चखा और उसमें से एक गिलासी जल निकाल कर और उसमें एक पाव चीनी डलवा दी, बूरा डलवा दी, थोड़ी सुगंधी डलवा दी और जल को मिलवा करके बोले ले जाओ अब उसे। चेला बोला ना मुझे सवाल समझ में आया ना मुझे उत्तर ही समझ में आया।
उन्होंने कल सा फीका जल दे दिया, इन्होंने शरबत दे दिया, जाने क्या इस कारण है। ये तो मीठा मिला हुआ जल लेकर के वो अपने पुराने गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी ने फिर उसमें से एक चम्मच जल निकाल के चखा, बोले क्या बात है, बहुत मीठा, ठीक है रख दो। चिला बोला रख तो दूंगा, पर ये बताइए कि आपने क्या सवाल पूछा था, उन्होंने क्या उत्तर दिया। बोले हमने सवाल ये पूछा था, जब हमने इस पात्र में लबालब जल भर रखा है तो आपने क्या विशेषता कर दी इसमें जो गुरु बन गए। तो तुम्हारे गुरुजी ने ये कहा कि तुमने लबालब जल तो भरा था पर वो था फीका, तो मैंने करा क्या, मैंने उसमें चीनी मिला, मैंने उसमें कृष्ण भजन की बूरा मिला दी, मैंने पानी मीठा कर दिया। तो ठाकुर जी ने, उद्धव जी ज्ञानी तो हैं पर कैसे ज्ञानी है, बोले फीका पानी है। तो ठाकुर जी ने ब्रज में भेजा और गोपियों ने उसमें प्रेम की मिला दी मिश्री, तो फीका जल मीठा हो गया। कहिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, गोपी प्रेम की जय हो, गोपी उद्धव संवाद की जय हो। अनंत है, कौन वर्णन कर सकता है। हम लोगों ने थोड़ी देर में प्रणाम किया, अब फिर वहीं आ जाएं, ठाकुर जी दूल्हा बने खड़े हैं, रुक्मणी जी से एक ब्याह हो गया, अब जल्दी जल्दी ब्याह करते हैं। रुक्मणी जी से एक ब्याह हुआ, आगे तो प्रद्युम्न जी के जन्म का संवाद आया। प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ, शंभासर ने चुराए और महाराज रति देवी से विवाह होकर के बहू के साथ में लौटे। आगे तो भगवान के सत्यभामा जी से विवाह का वृतांत आया। द्वारिका में एक यादव रहते हैं स्त्राजित नाम के, उन्होंने सूर्य भगवान की उपासना करके उनसे एक मणि प्राप्त करी है, सेमंतक मणि। ये मणि कैसी है जो नित्य 8 भार सोना देती है। बोले एक भार में 8 मन, 64 मन सोना रोज इस मणि से निकलता है, झड़कता है, ऐसी मणि, और प्रकाश ऐसा कि मानो सूर्य उदय हो गए। इस त्राजित को सूर्य भगवान की उपासना से वह मणि प्राप्त हुई। ये उस मणि को लटका करके पहुंचे भगवान के पास कि भगवान भी देख लें कि हमारे पास कितनी अमूल्य चीज है। भगवान बोले भैया ये मणि तुम्हें राजा को दे देनी चाहिए, क्योंकि मणि तो है पर मणि को रखने वाला भी तो चाहिए। मणि सर्प के कंठ में ही रहती है, लाखों सर्पों में, करोड़ों सर्पों में एक सर्प मणिधारी सर्प होता है। मणि झूठ नहीं है, मणि सत्य है, लेकिन करोड़ों सर्पों में एक सर्प होता है मणिधारी। तो भगवान ने कहा भैया मणि तो है लेकिन तुम उसका संरक्षण नहीं कर पाओगे, तो फिर तुम राजकोष में जमा कर दो। लेकिन ये बोले ले तपस्या करी हमने और श्री कृष्ण का मन ललचा गया, हम तो देंगे नहीं। तो इनके भाई थे प्रसीन इस्त्राजित के, वो अपने गले में मणि टांग कर गए शिकार खेलने, एक शेर ने उनको मार दिया, मणि छीन ली। उस शेर को जामवान जी ने मार दिया, जामवंत जी ने, अब मणि लेकर के अपनी बिटिया जामवती को खेलने को दे दी। भगवान के माथे पर कलंक लग गया, बोले क्या के मणि चुराई है। बोले क्यों लग गया, बोले इन्होंने चौथ का चंद्रमा देखा था। बोले चौथ का चंद्रमा देखो तो कलंक लगता है, तो बोले कौन सा देखे, बोले पूर्णिमा का चंद्रमा देखो, अर्थ क्या है। अर्थ यह है कि चौथ का चंद्रमा मत देखो, पूर्णिमा का देखो। बोले पूर्णिमा का क्या रोज निकलता है चंद्रमा, बोले रोज निकलता है। बोले फिर, बोले जो श्री कृष्ण का मुख है यही पूर्णिमा का चंद्र है, चौथ का क्यों देखते हो, पूर्णिमा का चंद्र देखो, चौथ का मत देखो, चौथ का देखा तो कलंक लगेगा, मिथ्या कलंक लगा है। भगवान ने कहा मिटाएंगे इसको। भगवान ढूंढते ढूंढते पहुंचे हैं तो इनको शेर के पंजे मिले। शेर के पंजे ढूंढते ढूंढते गए तो देखा ये तो जामवन जी की गुफा में को गया।
पता चला जामवन जी ने ही शेर को मार के मणि ले ली। भगवान घुसे हैं जो गुफा में, तो देखा जामवत जी मणि से खेल रही हैं। जामवती जी को देख करके भगवान आगे बढ़े, जामवती ले जाके चली गई। पिताजी पिताजी कौन आए? जामवन जी ने देखा, भगवान ने कहा हमें मणि दे दो। जामवन जी बोले क्यों दे दें हम मणि, हमारी बेटी खेलेगी। बोले युद्ध कर लो। जामवन जी से भगवान का युद्ध चला। बोले कितने दिन के? 27 दिन। बोले क्यों जी, लड़ाई क्यों हुई? बोले श्री राम लीला में जामवन जी को लड़ने का मौका नहीं लगा। बोले सबरे तो हनुमान जी ने निपटा दिए, मौका आने नहीं देते थे किसी का, सब तो हनुमान जी निपटा डालते थे। और जामवन जी ने बहुत ताकत है। बोले हमें तो मुक्का लात का मिला ही नहीं मौका, और ऐसे वैसे से किसी छपकली से तो करेंगे नहीं मुक्का लात, इन्हें तो मुक्का लात करने को भी पहलवान चाहिए। तो एक बार तो भगवान राम को ही देख के इनके मन में आई कि यही मिल जाते तो इनसे ही करते जरा सी जोर अजमाते। भगवान बोले अभी तो महाराज रावण से निपट रहे हैं, तुमसे लड़ना शुरू कर देंगे तो कैसे होगा, आगे तुम्हारी मनोकामना। जामवन जी बहुत दीर्घायु हैं, तो जामवन जी की आज अभिलाषा पूरी करने के लिए भगवान पधारे हैं और भगवान से युद्ध हो रहा है। एक दो दिन नहीं, 27 दिन तक युद्ध चलता रहा। भगवान ने जामवन जी की एक एक नस ढीली कर दी। अब तो जामवन जी को लगा महाराज ये कोई और नहीं है, सामान्य नहीं है ये तो लगता है प्रभु ही है मेरे। विनती करी तो कन्हैया की जगह श्री राम जी का दर्शन हो। धनुष बाण लिए ठाकुर जी खड़े, सो जामवन जी पड़े चरणों में। ठाकुर जी ने पूछा अभी तुम्हारी मन की निकली कि नहीं निकली, अभी और पीटूं? बोले नहीं महाराज, बस हो गई, बहुत हो गई, अब बहुत हो गई। तब तो भगवान को मणि लौटाई है, लेकिन केवल मणि ही नहीं लौटाई, अपनी पुत्री जामवती को भी कहा प्रभु ये भी आपके चरणों में समर्पित है, आपके जैसा जमाई कहाँ मिलेगा। मणि और बिटिया दोनों कर दी। ठाकुर जी बोले ले, लेने आए थे मणि और महाराज, धनी का धन और मिल गया साथ में, प्रभु लेकर के चले हैं। द्वारिका में आए, सो द्वारिका वासियों ने पुष्पों की वर्षा करी, कहिए जामवती कृष्ण भगवान की जय हो, जामवती वल्लभ लाल की जय हो। विधिवत ब्याह किया, गिनते रहिएगा अब कितने हो गए, गलती न लग जाए। कितने हो गए? अब 2 हो गए, एक कल शाम को हुआ था, एक कब हो गया। अब तो मणि लाए हैं भगवान, सो इस्त्राजित को बुलाया। बोले भैया तूने हम पे कलंक लगाया, ले मणि अपनी। अब तो सारी द्वारिका उसे धुतकारने लगी, तुझे लज्जा नहीं आती, भगवान पे ही तूने आरोप लगा दिया। अब ये तो बड़ा लज्जित हो गया। बोले अब लज्जा दूर करने का उपाय यही है कि श्री कृष्ण से कर लो रिश्तेदारी। बोले इनकी भी बिटिया थी कौन के? सत्यभामा। सो ये फिर मणि लेकर के सत्यभामा जी के साथ में फिर ठाकुर जी के पास पहुंच गए। ठाकुर जी बोले ना तो यहाँ मणि पीछा छोड़ रही हैं और ना महाराज इनकी कन्याएं। मणि लेकर के फिर सत्यभामा जी के साथ पहुंचे, मणि भी अर्पण करी और सत्यभामा जी को। बहुत धूमधाम से विवाह हुआ है। कहिए सत्यभामा वल्लभ भगवान की जय हो, श्री कृष्ण सत्यभामा जी की जय हो। तो कितने ब्याह हो गए? 3 हो गए। अब तो माया भगवान इंद्रप्रस्थ आए हैं। उस समय खांडव वन का काम चल रहा था। अब भगवान नित्य शाम को अर्जुन के साथ में घूमने जाते हैं, और जब घूमने जाते हैं तो एक बार इनको यमुना जी के किनारे एक स्त्री दिखाई दी। अर्जुन उतरे और उतर के पास गए। बोले देवी आप कौन हो, क्यों तप कर रही हो यहाँ पे? सांवली हैं कालिंदी जी। ये बोली मैं तो यमराज की बेटी हूँ, यहाँ तप कर रही हूँ। बोले किस लिए? बोले काले दूल्हा के लिए तप कर रहे हैं। बोले अच्छा। बोले आप कब से तप कर रही हो? बोले बहुत समय हो गया, मेरे पिताजी ने यही यमुना जी के भीतर मेरे लिए भवन बनवा दिया, मैं वहीं रहती हूँ, तप कर रही हूँ, भगवान की प्रतीक्षा कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा अब तो तपस्या पूरी हो गई, अब तो प्रभु आ गए हैं। सो प्रभु पधारे हैं,
और हाथ पकड़ के आपको रथ में बिठाया है और द्वारिका लेके आए हैं, तो वहां पर आपके साथ भी पानी ग्रहण हुआ है। कहिए कालिंदी वल्लभ भगवान की जय हो, श्री कालिंदी कृष्ण की जय हो। कितने हो गए? चार। अब तो महाराज भगवान का विवाह हुआ है उज्जैन, पांचवा। बोले उज्जैन क्यों हुआ? चंद्र वंश में बुआ और मामा के बालकों में ब्याह हो जाता है, चंद्र वंश में, सूर्य वंश में नहीं, चंद्र वंश में बुआ के संतान से ब्याह हो जाता है। तो भगवान की एक बुआ रहती है राजाधी देवी उज्जैन में, फूफा जी तो है नहीं, वो सेवा में रहते थे पांडव जी की, वे तो वीरगति को प्राप्त हुए, राजाधी देवी रहती हैं। इनके दो पुत्र एक पुत्री हैं, दो पुत्र हैं विंद अनुविंद और पुत्री हैं इनकी मित्र बिंदा। इस बार हमको उज्जैन में मित्र बिंदा जी का ही व्याहुला करने का अवसर प्राप्त हुआ, वहां पर कृष्ण मित्र बिंदा जी की स्थापना थी ठाकुर जी की। तो श्री मित्र बिंदा जी रहती हैं, तो जब भगवान उज्जैन गए तो इनकी बुआ को लगता कि श्री कृष्ण हमारे यहां हैं, तो मित्र बिंदा जी पूछती कि प्रभु कब पधारेंगे, तो ये कहते कि अब विद्या ग्रहण करने में कितना समय लग जाए, बीच में तो कोई सांदीपनी से जाके कह नहीं सकता, क्योंकि बीच विद्यालय में वो छुट्टी नहीं देते किसी को भी, विद्या पूरी होने के बाद ही बालक घर जा सकता है। तो बोले विद्या कब पूरी होगी? सबको लगते हैं 10 बरस, तो इनको 2 बरस लगेंगे, सब काम बहुत जल्दी कर लेते हैं, पर 2 बरस भी कहां जी, वहां तो 2 ही महीने पूरे हो पाए थे, 64 दिन ही बीते थे कि पता चला कि भगवान का तो समावर्तन संस्कार। जब ये पता चला, राजाजी देवी ने समाचार भेजा कि प्रभु हमारे घर होते जाइएगा, भगवान पधारे इनके यहां पे। और तभी श्री मित्र बिंदा जी ने अपना सर्वस्व, क्यों? क्योंकि ये नित्य प्रिया है, जो अष्टपट रानी है ये नित्य प्रिया है, द्वारिका लीला के प्रिया वर्ग हैं, ये तो हैं ही श्री कृष्ण की। मित्र बिंदा जी ने अपना हृदय अर्पण कर दिया। भगवान एक दिन रुक करके लौट आए। अब जब मित्र बिंदा जी के स्वयंवर का समय आया तो इनके जो भाई हैं बिंद अनुबिंद, वो दुर्योधन से ब्याह करना चाहते हैं मित्र बिंदा का। इन्होंने प्रार्थना करी रुक्मणी जी की तरह, तो भगवान पहुंचे हैं स्वयंवर में। अब स्वयंवर तो नाम ही स्पष्ट है, स्वयंवर, जहां कन्या स्वयं अपने वर का वरण करती हो। भगवान पहुंचे और पहुंच करके स्वयंवर में मित्र बिंदा जी को प्राप्त किया और मित्र बिंदा जी को लेकर के आए और बड़े धूमधाम से भगवान का विवाह संपन्न हुआ। कहिए श्री मित्र बिंदा वल्लभ लाल की जय हो, श्री मित्र बिंदा श्री कृष्ण की जय हो। कितने हो गए? 5 हो गए। अब तो भगवान का छठवां विवाह हुआ है कौशल देश के राजा नागनजीत जी की कन्या नागनजीति से। इनका एक नाम सत्या भी है, पर इनके पिताजी ने बड़ी टेढ़ी शर्त लगा रखी है। बोले क्या? बोले इनके यहां 7 बिगड़े हुए बैल हैं। बोले जो इनको एक साथ नाथ देगा वो मेरी बेटी को वरण करेगा। और ये बैल इतने जबरदस्त हैं कि वीरों की सुगंध से ही चिढ़ते हैं, सींग मार के भगा देते हैं सबको। पर महाराज जहां काम न चलता तीरों और कमानों से, वहां विजय नटवर की होती है मुरली की तानों से। भगवान पहुंचे, कुछ भी नहीं कहा, देखकर ही मोहित हो गए। भगवान ने ली जो रस्सी और 7ों की नाक में नाक दी एक बार में, और ऐसे पकड़ के ले आए जैसे कोई छोटा बालक काट के खिलौने को खींचे, ऐसे खींच कर ले आए। ओ नागनजीत तो बलिहार हो गए,
सो अपनी बेटी सत्या का विवाह भगवान के साथ किया। कहिए नाग नजीती वल्लभ लाल की जय हो, सत्या श्री कृष्ण चंद्र की जय हो। इनका सत्या भी नाम है और नाग नजीती कितने हो गए? 6 ब्याह। कितने बाकी हैं अभी? 2 नहीं, 16,102। जय हो। 2 और बाकी। जय हो। तब तो भगवान का ब्याह हुआ है सातवां श्री भद्रा जी से। बोले भद्रा जी कौन है? ये भद्रा जी श्रुतकीर्ति जी की कन्या है। इनके तो भाई ने सहर्ष ही जब पता चला कि ये तो भगवान को अपना हृदय दे बैठी हैं, बोले क्यों भगवान के प्रति आकर्षण हो रहा है? बोले भगवान के गुणों को सुन रहे, इसको ध्यान रखना है। इसलिए श्रवण भक्ति सर्वोपरि है। श्रवण करो, श्रवण करो, श्रवण करो, श्रवण करो, श्रवण करो। हम लोगों ने कल रुक्मणी जी का प्रेम पत्र पढ़ा। वैसे किसी का प्रेम पत्र नहीं पढ़ना चाहिए, पर भागवत जी में खोल के लिखा है तो हम लोगों ने पढ़ लिया। प्रथम श्लोक क्या था? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रणवताम ते निर्विषय कर्ण विवरई हरतः अंगतापम रूप दृशाम दृश्यमिताम अखिल अर्थ लाभम। हे कृष्ण, जब मैंने आपके गुणों को सुना तो मेरा मन आपके संग ही आपके चरणों में लीन हो गया। तो भगवान के गुण सुनिए। तो भद्रा जी ने भी भगवान के गुण सुने हैं और गुण सुनने का इतना प्रभाव कि जिसके गुण उसको तो इन्होंने पा लिया। कहिए श्री भद्रा वल्लभ लाल की जय हो, श्री भद्रा कृष्ण चंद्र की जय हो। कितने हो गए? 7 हो गए। अब तो महाराज भगवान का 8वां विवाह हुआ है मध्य प्रदेश की राजकुमारी लक्ष्मणा से। अभी सबके नाम पूछने वाले हैं, घबराइए नहीं, याद करते जाना, इसलिए पूछ रहे कितने हो गए, कितने हो गए, कितने हो गए। लक्ष्मणा जी से विवाह हुआ है। लक्ष्मणा जी से कैसे? बोले इनके पिता ने तो द्रौपदी जैसा स्वयंवर रखा हुआ था कि काट की मछली ऊपर घूम रही है और नीचे परछाई देकर के ऊपर तीर मारना है। लेकिन अर्जुन से भी कठिन। बोले द्रौपदी के स्वयंवर में तो केवल आंख पे निशाना लगाना था और इनके स्वयंवर में तो तीर मार के मछली को तोड़ देना है, काट की मछली को। यहां तो अर्जुन भी विफल हो गए। पहले अर्जुन लेकर के चले, कर्ण भी आया था, कर्ण भी विफल हो गया। और कहीं आपने सुना कि श्री कृष्ण ने तीर चलाना सीखा हो? पर नहीं, इन्होंने तो आंख बंद करके जो तीर छोड़ा, महाराज मछली फछली तो सब बराबर हो गई। देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा करी और कहा श्री लक्ष्मणा वल्लभ भगवान की जय हो, श्री लक्ष्मणा श्री कृष्ण चंद्र की जय हो। अब बताइए कौन कौन 8 विवाह हुए? प्रथम विवाह वो तो याद ही है, दूसरा जाम्बवती, ठीक, तीसरा ठीक, चौथा हाँ ठीक, पांचवा ये भी बताएंगे, कुछ बैठी हैं कहीं। हाँ मित्रविंदा जी, हाँ छठा श्री सत्या नाग्न जी थी, और सातवां भद्रा, आठवां लक्ष्मणा। चलिए अच्छा, किनके ब्याह में बैलों को नाथ के बहू मिली? कौन कौन से के, कौन सी बहू बैलों को नाथ के मिली है इनमें से? हाँ सत्या। और मछली भेद के कौन सी मिली हैं? लक्ष्मणा, ठीक है। और हरण करके कौन सी मिली हैं? और दान में कौन कौन मिली हैं? श्री सत्यभामा और जाम्बवती। कहिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। विवाह हुए हैं और 8 ही हुए हैं, अब 16,107 होंगे। बोले महाराज राक्षस हुआ भौमासुर, ये कौन है?
हे भगवान का ही पुत्र है। बोले कैसे? बोले वराह भगवान जब प्रकट हुए तो पृथ्वी देवी से संतान पैदा हुई भौमासुर, इसका नाम है नरकासुर। लेकिन जब असुर प्रकट हुआ तो भगवान ने कहा भैया असुर को तो हम मारेंगे, हमारा तो काम राक्षसों को मारना है। तो पृथ्वी देवी बोली महाराज अपने बालक को ही मारोगे आप? बोले बिल्कुल मारेंगे, बिल्कुल मारेंगे, दुष्टता करेगा। तो पृथ्वी देवी ने एक वर ले लिया कि महाराज जब तक मैं नहीं कहूंगी तब तक नहीं मारोगे। बोले ठीक है ये बात मान ली। अब तो भौमासुर ने बड़े बड़े अत्याचार किए, उसने तो अपने कारागार में 16,100 कन्याएं जने कहां कहां देश की, जने किस किस की बेटियां इकट्ठी कर रखी थी। बोले क्यों? बोले जब पूरी संख्या हो जाएगी तो एक साथ इनके साथ ब्याह करूंगा, इसलिए ये स्त्रियों को इकट्ठा कर रहा था। और इसके यहां तो मुर नामक दैत्य था जो कि राज्य की रक्षा करता था, बड़ा विकट राक्षस। इन स्त्रियों ने भगवान के पास समाचार भेजा कि हे प्रभु डूबतों को बचा लेने वाले